पोहरी विधानसभा 24 से बसपा प्रत्याशी प्रद्युमन वर्मा ने नामांकन फॉर्म जमा किया। बसपा प्रत्याशी प्रद्युमन वर्मा ने आज अपना नामांकन फॉर्म सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जमा किया। प्रद्युमन वर्मा ने आज अनुविभागीय कार्यालय पोहरी पहुंचे, जहां प्रद्युमन वर्मा ने SDM शिवदयाल धाकड़ के समक्ष राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन फॉर्म जमा किया। बसपा प्रत्याशी प्रद्युमन वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि भाजपा सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार पिछले 18 सालों में किया गया है, उस भ्रष्टाचार से जनता को मुक्त करना है। बसपा प्रत्याशी प्रद्युमन वर्मा ने कहा कि चुनाव में नहीं लड़ रहा, बल्कि पोहरी की जनता चुनाव लड़ रही। अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो क्षेत्र में अमन और शांति बनाने का काम करूंगा, और जो क्षेत्र की जनता ने मुझ पर अपना विश्वास जताया है, उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। यही मेरी पूरी कोशिश रहेगी। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आज आपने नामांकन दाखिला किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप क्षेत्र में जा रहे हो, आपको क्षेत्र में कितना जनसंपर्क समर्थन मिल रहा है? अपार जनसंपर्क में समर्थन मिल रहा है, मुझे 700 जात का समर्थन मिल रहा है। अगर आप पोहरी विधानसभा से अगर आप विधायक बनते हो तो जो मुद्दे चल रहे हैं उन्हें आप उठाओगे भोपाल में? बिल्कुल उठाएंगे और दम से उठाएंगे और करवा के रहेंगे। वो पौरी विधानसभा हमारा मूलभूत समस्या जूझ रहा है, पेयजल समस्या, शिक्षा स्वास्थ्य सभी समस्या चल रही हैं उनके लिए, और आपका क्या ध्यान रहेगा? मैंने कल भी बोला है कि जो पहले शिक्षा स्वास्थ्य और पानी, ये सबसे पहला मुद्दा है पौरी का। आपका मुकाबला आपकी बार आम आदमी से नहीं है, आपका मुकाबला PW राज्य मंत्री सुराट खेड़ा और कांग्रेस नेता कैलाश कुशवाहा से है। आप उनको कितनी चुनौती दे रहे हो? देखिए, आपको लग रहा है उनके मुकाबले टिक पाओगे आप? मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, जनता को मालूम है, है ना। मैं किसी से कंपटीशन कभी नहीं करता। अगर आप विधायक बनते हो तो सबसे पहले आप क्षेत्रवासियों को क्या करना चाहोगे? देखा आप, मैंने बोला आपको कि पहले ये तीनों मुद्दे हैं, प्रयास इन्हीं का रहेगा सर्वप्रथम, कि इनमें सुचारू रूप हो और अच्छे से हो। ठीक।